हेलो, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो, क्योंकि ये है कुछ हटके। जैसे हमने अक्सर सुना है सुपर हीरोज के बारे में, आयरन मैन है, स्पाइडर मैन है, सुपरमैन है, लेकिन हमारे कंट्री के या फिर कह लीजिए पूरी दुनिया के सुपर हीरो कौन है? बिल्कुल सही सोचा, डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में ये बात बिल्कुल इन्होंने सच करके दिखा दी है। जैसे कि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, सबसे पहले बता देती हूँ आपको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए, जो पश्चिम बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे और भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनजिंदर सिंह भट्टी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गीत, आई रियली अप्रिशिएट योर चैनल फॉर यू फोकसिंग ऑन डॉक्टर्स ऑन दिस डे। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला जो सवाल है, वैसे सवाल तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर से बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आपके नजरिए से क्या महत्व है डॉक्टर्स डे का? इट्स रियली अ डे वेयर ऑल आवर हार्ड वर्क दैट हैज बीन पुट अप and you know the sacrifices the entire doctor makes to his life, and doctor's career you know is an unending career is what I can see. So this one particular day you know makes us feel proud of our fraternity. It makes us ek acha lagta hai ki ek jab hamara ek muskurata hua patient theek hokar ke ghar jata hai, that is something very you know satisfying for us. सर, जब इस प्रोफेशन की बात आती है, डॉक्टर की प्रोफेशन की, तो हम बस यही सोचते हैं कितना मुश्किल है, तो इतना खर्चा है मेडिकल का, उसके बाद 24 आवर की जॉब है, और उसके बाद फिर भी कई बार पेशेंट्स की खरी खोटी भी सुनने को मिलती है, तो इतना मुश्किल प्रोफेशन होने के बाद भी हम क्यों चुने, क्यों बने हम डॉक्टर? बिल्कुल सही गीत, आई शुड से दैट कि इट्स ऑलमोस्ट 15 years of study that goes into becoming a doctor. पहले आप 5 साल MBBS करते हैं, फिर आप 3 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं, और आज के कॉम्पिटेटिव दौर में जहाँ पे इतनी नई एडवांसेस आ रही है, फिर आपको 3 साल एक सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो तकरीबन आपके 12 से 15 साल तो पढ़ाई में गुजरते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज ऑफ ट्रीटिंग योर पेशेंट्स। मोटिवेट क्या करता है, देखिए जी, दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक समथिंग यू नो समथिंग देयर इज इनर, एंड आई पर्टिकुलरली कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर आर डॉक्टर्स एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन फैमिली, सो यू नो व्हाट इज व्हेन यू ट्रीट समबडी हु इज सफरिंग, यू नो पीपल आर कमिंग हियर इन पेन, एंड व्हेन दे आर लीविंग दे हैव दे आर रिलीव्ड फ्रॉम दैट स्ट्रेस, दैट यू नो दैट गिव्स एन इमेंस प्लेजर, यू नो यू कांट आई कांट से हाउ इट फील्स टू अस। Simple example, a mother, you know, she is coming, a pregnant lady, she is coming to us, she is in liver pains, and liver pain is one of the worst pain that is affected her. And when she is relieved of that thing, and she hears the, एक वो सुनती है अपने बच्चे की किलकारी, वो जो खुशी है ना, वो continuous motivation है हमारी, तो इस तरह से। जी सर, मतलब आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली में हर कोई डॉक्टर है, तो क्या इसलिए आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? एक्चुअली इट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, व्हेन यू सी यू नो योर ब्रदर्स एंड योर सिस्टर्स एंड योर रिलेटिव्स, दे आर डूइंग सच हार्ड वर्क, एंड इट्स समथिंग इन योर ब्लड, व्हेन यू ग्रो अप इन सच एन एनवायरनमेंट, इट मोटिवेट्स यू। जी जी, जब आपका काम ही इतना हेक्टिक होता है, स्ट्रगल होती है, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखते हैं? So personally, you know, when I see my child's face na, after going at home, that relieves half of my stress. क्या बात है। और उसके अलावा yes, healthy food habits. जी। थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज, that is important. सर, ये मेरा सवाल है कि जैसे आप किसी पेशेंट को कंसल्ट कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाए आपके पास, तो कैसे आप उस सिचुएशन को टैकल करते हैं? हमारे को तो मेडिकल में पहले सिखाया ही जाता है कि आपको ट्राइजिंग करनी है हर एक चीज़ की। सो ट्राइजिंग से हमें मतलब है कि हमें प्रायोरिटी देखनी है कि किस पेशेंट को हमारे ज़्यादा प्रायोरिटी है, एंड ऑब्वियसली समबडी इन इमरजेंसी इज टू बी गिवन प्रायोरिटी रादर देन समबडी हु इज बीइंग कंसल्टेड इन ओपीडी। जी, तो वी हैव टू रश फॉर इमरजेंसी। जी सर, इस टफ टाइम में आप हमारे लिसनर्स को, आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी हेल्थ को किस तरह से ठीक रख सकते हैं? सो लाइफ इज प्रेशियस, it's once, so just stay safe, stay healthy, eat healthy, breathe healthy.
क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े और हमारे लिसनर्स तक इतनी सारी बातें पहुंचाई। वैसे हम मना रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी को सम्मानित करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जितने भी डॉक्टर हैं हमारी दुनिया में उनको भी सैल्यूट और सलाम करते हैं कि आपने इतने मुश्किल के दौर में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो कुछ हटके।